देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है, खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। वायदा बाजार में गौर की कीमतों में कभी मंदी तो कभी तेजी देखने को मिल रही है। वायदा और हाजिर कारोबारी दोनों ही असमंजस की स्थिति में हैं कि क्या गौर में वाकई तेजी है या फिर ये सिर्फ बनाई गई तेजी है। 2021 में हमने अगस्त सितंबर के दौरान गौर में अच्छी तेजी बनते देखी थी। गौर गम की कीमतें 13,000 तक देखी गई थी, वहीं गौर सीड की कीमतें 6,700 से 6,800 तक। ग्वार में अचानक उछाल देखने को मिला था। उस दौरान ये खबर थी कि ग्वार का उत्पादन कम रहेगा और डिमांड अच्छी। इस पर कुछ बड़े दिग्गजों का कहना था कि ग्वार की ये तेजी बनाई गई तेजी है, ग्वार के फंडामेंटल्स इतने भी मजबूत नहीं हैं जिससे इतनी जोरदार तेजी आए। दिग्गज जानकारों के मुताबिक वह रुख अभी भी वायदा बाजारों में देखने को मिल रहा है। ग्वार में कभी तेजी तो कभी मंदी बन रही है। जानकारों के अनुसार अगस्त सितंबर की तेजी जरूरत से ज़्यादा आई तेजी थी। मार्केट में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जानबूझकर ग्वार में जोरदार तेजी की अफवाहें फैला रहे हैं। हालांकि फंडामेंटल्स मजबूत हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि बहुत ज़्यादा तेजी देखने को मिले। कुछ लोगों का मानना है कि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त के चलते ग्वार की कीमतों में तेजी आई है, जबकि इस पर जानकारों का कहना है कि अमेरिका में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ता है तो ग्वार गम की कीमतों को सपोर्ट मिलता है। मिडिल ईस्ट में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ता है तो ग्वार गम की कीमतों को सपोर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि वहां कच्चे तेल के कुएं पुराने हैं, वहां ग्वार गम का इतना इस्तेमाल नहीं होता है। इसलिए ग्वार गम की कीमतों को कच्चे तेल से जोड़ना तब तक सही नहीं रहेगा जब तक कि अमेरिका में कच्चे तेल का उत्पादन ना बढ़ जाए। वहीं पूरी दुनिया में वर्तमान में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे कई देशों में लॉकडाउन वाली स्थितियां बनी हुई हैं, जिससे वहां की फूड इंडस्ट्री से ग्वार की डिमांड थोड़ी कम हुई है। जानकारों के मुताबिक वायदा बाजारों में ग्वार गम में 11,000 के लेवल को होल्ड करने पर 12,000 और ग्वार सीर में 6,250 के लेवल को होल्ड करने पर 6,500-6,600 की भले ही तेजी देखने को मिल जाए, लेकिन यह तेजी फंडामेंटल वाली तेजी नहीं होगी बल्कि टेक्निकल तेजी होगी, बनाई गई तेजी होगी। जानकारों के मुताबिक ग्वार में फिलहाल ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड फैक्टर सामने नजर नहीं आ रहा है जो कि कीमतों को ऊपर लेके जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।